लेके बैठा यहाँ साला। कभी कभी तो मन करता है उस बॉस को, बॉस ने बॉस जी के बुलाऊं, बॉस जी के और नहीं चोर 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 समझता है मुझे मेरा बॉस। अरे मेरे सर पे ऐसे मटराएगा जैसे मेरी एक सो। मैंने क्या किया था, ऑफिस से एक कॉफी मेकर ही तो घर लेकर आया था। ये भी भला कोई चोरी होती है? और ये तो मेरी इंसानियत है, किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशान ना हो। पर कॉफी का डब्बा भी लेकर आ गया। ओ भाई तू अपना छोड़, तू मेरा देख। 3, 2, 1। ओ भाई मैं ना कोई काम नहीं करता हूँ ऑफिस में ताकि मेरे काम में कोई गलती ना निकाल सके, लेकिन फिर भी पता नहीं इनको मुझसे कौन सी दिक्कत है। और तू कल का ही ले ले भाई, कल मेरे पीएल का मुझे कॉल आता है, मेरे को कहते हैं प्रेम तुम बहुत अच्छा काम करते हो, हमारी टीम में आ जाओ। और मैंने बोला, मैंने कहा सर मैं आप ही तो टीम में हूँ, तो बोलते हैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ थोड़ा काम भी कर लिया कर। ओ भाई मैं करूँ तो करूँ क्या? और मेरे को एक तो ये समझ नहीं आता कि ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं या अप्रिशिएट कर रहे हैं, नहीं कोई तरीका। और एक तो भाई मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये लोग मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत लेट आते हो, ऑफिस लेट आते हो। अरे भाई जो बात मुझे पता है वो तुम मुझे बार बार क्यों बताते हो? अरे मुझे पता है कि मैं लेट आता हूँ, नहीं लेकिन ये लोग मुझे बताएंगे क्योंकि रोक टोक करने की आदत जो हो गई है इनको। ये मेरी बेइज्जती करने के ना नए नए तरीके ढूंढते हैं, इन्होंने अपने तरीके अपग्रेड कर लिए हैं क्योंकि इंसानों से सिस्टम तो अपग्रेड होते नहीं है। ओ भाई अभी अपने अपग्रेड तरीकों के साथ ना मेरी बेइज्जती करते हैं। एक दिन मैं ऑफिस गया, सारे लोग अपने हाथों में फूलों की माला लेके खड़े थे, और मेरी बॉस आई, मेरा स्वागत किया, वेलकम किया, बोले आओ प्रेम तुम कितने डेडिकेटेड, कितनी मेहनत से अपना काम करते हो, कितने लगनशील व्यक्ति हो तुम हैं। ओ भाई मैं खुश हो गया, मैंने कहा वाह भाई टुकड़ा हो रहा है। लेकिन नहीं, इनसे मेरी खुशी ना बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाती हैं मैडम और बोलती हैं प्रेम तुम बहुत अच्छा काम करते हो, सब कुछ बहुत अच्छे से करते हो, थोड़ा टाइम पे भी आया जाया करो। अरे यार ये लोग सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे, इन्हें इतना टेंट्रम करने की जरूरत क्या थी? अरे सीधा सीधा बोल देते मैं लेट आता हूँ। यार मेरी इतनी मत लो भाई, मैं इंसान हूँ गधा नहीं हूँ कि मेरी लिए ही जा रहे हो, लिए ही जा रहे हो, लिए ही जा रहे हो। अबे साला, और ये मेरी बॉस ना सोचती है मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अब नहीं, और अब तुम्हारे भाई ने ठान लिया है मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और तुम देखना मैं पक्का कुछ करके दिखाऊंगा। बेफिजूल बातों के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। क्या? अरे हाँ। 3, 2, 1। ये क्या तरीका है? मैंने उस दिन तुम्हें प्यार से समझाया था ना ऑफिस में कि टाइम से आया करो, पर मुझे लगता है प्यार की भाषा तुम्हें समझ कहाँ आती है। यू आर रियली एन इरेस्पॉन्सिबल पर्सन आई एवर मेट। मतलब मुझे लगा था इतने प्यार से समझाने के बाद तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म आएगी और तुम ऑफिस टाइम पे आना शुरू कर दोगे। पर नहीं, तुम जैसा ढीठ इंसान मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा है। आई मीन लुक एट योरसेल्फ।
ऑफिस का टाइम हो गया है और ये तुम्हारी हालत है। मैं तुम्हें उठाने आ रही हूँ, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम्हारी सर्वेंट नहीं। और मुझे तो ये समझ नहीं आता किस इडियट ने तुम्हारा इंटरव्यू लेके तुम्हें मेरी इतनी बड़ी रेप्यूटेटेड कंपनी में जॉब ऑफर कर दी। यू आर फायर नाउ, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना यू फूल। चुप 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 हो जा बेवकूफ औरत। व्हाट द फक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तू मेरे सामने हिम्मत की बात तो बिल्कुल मत करियो। और क्या क्या बोल क्या रही थी तू? किस इडियट ने मुझे नौकरी पे रखा है? वो बेवकूफ भी तू है, वो इडियट तू है, बेवकूफ औरत। तेरी ये हिम्मत, तू रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। रुक जाहिल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए शो में जिसका नाम है जिंदा औरत बनी लाश। यही वो हैवान, यही है वो शैतान जिसने लिए इस खातून की चार। इस खातून के हाथ पे आ गए तेरे हाथ के निशान। अब कौन सी वीडियो बना रहा है तू, कौन सा सबूत इकट्ठा कर रहा है? मैं अकेला नहीं फंसूंगा, सबका नाम लूंगा मैं, सब साथ में जेल जाएंगे। भाई मैं कहां से आ गया इस कमरे में, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है यार। अरे बोले क्या ना, बचेंगे भी नहीं अगर इस लाश को ठिकाने नहीं लगाया गया तो। मुझे तो घबराहट भी हो रही है, अगर कहीं पुलिस आ गई और इसने हमारा नाम ले लिया तो नहीं, पुलिस तो सबसे ज्यादा मुझे ही मारेगी। क्यों फिर शक्ल नहीं दिखता तुझे? जन्म से ही चोर लगता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो, मैं पुलिस से मारने का नहीं। इसका मतलब नौटंकी बंद कर, अंदर नौटंकी, चुप कर, पहले इसे अंदर लो। मेरा पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? अरे भाई ये तो बताओ हम करें क्या? देखो इससे छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता है, चुपचाप बिना किसी को बताए इस लाश को ठिकाने लगाते हैं और इस शहर से निकलते हैं। कैसे? एक काम करो, पहले अपना हुलिया बदलो, हुलिया बदलो, बदलो। भाई मुझे डर लग रहा है भाई, मुझे बचा लो भाई। चुप कर, धीरे बोल, चुपचाप जाके गेट खोल, बस अपना मुंह मत खोलियो। हाँ, मुंशी तो इसे छिपाने की कोई जगह ढूंढ। छिपाए इस लाश को, एक्सपीरियंस की तो कमी है। नमकीन के डिब्बे में छिपा दूं? नहीं बड़ी बात है, आएगी बेचारे। खाना कहाँ बनेगा? मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे जादू, मेरे टोना, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहीं तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? क्या बेबी, भला कोई इतना इंतजार करवाता है?
फ्रिज में सुखा दूं? अबे नहीं यार, ठंडी भी हो जाएगी। धीरे बोलो, ये दो हराम जाते सुन लेना, तेने पता चल जाएगा हमारे सच्चे प्यार। क्या आप भी, आपने ये दो कुत्ते पाल रखे, आप इनसे इतना डरते क्यों हो? आप इनको बता क्यों नहीं देते हमारे सच्चे प्यार के बारे में? अरे बता देंगे, बता देंगे, सही समय तो आना, सब कुछ बता देंगे। ठीक है। साहब आज मैं जल्दी में हूँ, आप मुझे बता दीजिए आज क्या बनाना है। जिस कदर आप जल्दी में हैं, मैं तो यही बोलूंगा आप मेरा मूड ही बना दो बस। क्या? अरे मेरा मतलब मूंग की दाल, मूंग की दाल, माँ के हाथ की मूंग की दाल, बहुत याद आ रही है, आप वही बना दीजिए। बनाती हूँ। अरे साहब ये लड़की कौन है? ये लड़की, ये तो चंद बोलाएगा ना, चंद। कैसी बातें कर रहे हैं मुंशी, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो प्रेम भाई बताएंगे। प्रेम भाई बताइए। आप प्रेम भाई बताओ बताओ। अरे मैं कैसे बता सकता हूँ? वो ना ये प्रेम भाई गर्लफ्रेंड है, और प्रेम भाई ना बहुत शर्माते हैं, इसलिए वो बता नहीं पा रहे। ठीक है, पर मैं इनके खाने बनाने का पैसा एक्स्ट्रा लूंगी। एक काम करो, आज आप खाना रहने दो, आज हम लोग खाना खाने बाहर जाएंगे, तो आप जाओ आज रहने दो खाना। अच्छा ठीक है, मगर मैं आज का पैसा पूरा लूंगी। और हाँ, अगर आज कोई काम नहीं था आपको मुझे पहले ही बता देना था, आज मुझे मैडम के साथ बाहर जाना था। चलो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, आप जाओ। ये तो गई, लेकिन देखो अब इससे पहले कोई और आए इस लाश को ठिकाने लगाते हैं। आ जाओ। चक्की का आटा खा दी थी। अबे ये मकान मालकिन की बेटी गुस्से से हमारी तरफ क्यों आ रही है? अबे मुंशी मैंने तुझे कल पैसे दिए थे, तूने इस मंथ का किराया भरा या नहीं? अबे दिया तो था किराया, फिर क्यों आ रही है? धोखेबाज, मुझे पता था तुम एक दिन अपना रंग जरूर दिखाओगे, मुझे ये सब कुछ पहले ही समझ जाना चाहिए था। अरे जिसके दोस्त से चिंदी चोर हो ना, उससे वफादारी की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ मैं? हाँ कौन है ये लड़की? ना बेवकूफ औरत, ये इस तुम की गर्लफ्रेंड है? हाँ, ये तुम मेरी गर्लफ्रेंड है? ये बेचारा प्रेम तो राम है राम, इसने आज तक किसी पर स्त्री पर आग उठाकर नहीं देखा। ओ बेबी बेबी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, कहीं लगी तो नहीं आपको? नहीं मैं ठीक हूँ। मैं भी ना कितनी पागल हूँ, आप पर बेवजह शक करती रहती हूँ। अच्छा सुनो ना, वो मैं ना रात को मिलूंगी तुम्हें छत पर, ठीक है? अभी मैं जा रही हूँ, मुझे ना मेड के साथ मार्केट जाने के सामान लेना। ठीक है जाओ जाओ। अबे साले तूने मकान मालिक की बेटी पटा ली? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा साले, तूने अंकुरी को तोड़ डाली? ये सब बातें बाद में करते हैं, पहले इसे बिठाओ। अंदर अंदर बैठ। अबे जल्दी कर, ये कुछ देख लेना भाई। अरे मुंशी भैया कहाँ चली सरकारी सवारी? लास्ट ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। अरे क्यों मजाक करते हो मुंशी भाई? अरे भैया आपको तो पता ही है, मुंशी की तो पुरानी आदत है मजाक करने की, आप इसकी बात को सीरियस मत लेना। हाँ हाँ प्रेम भाई आप भी मजाक कर ही लो,
कोई बात नहीं, आप बड़े लोग हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा चलो हम चलते हैं, आज थोड़ा जल्दी में। अबे अब क्या हुआ भाई, पेट्रोल खत्म दिखा रहा है यार ये। तेरा दिमाग खराब है, अबे तुझे बोला था 100 बार भरा पेट्रोल 100 रुपए के पेट्रोल भराते साले चिंदियो। पंखुड़ी ऐसे पूरे शहर में यही मेड मिली थी। रिएक्ट मत करना, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरे प्रेम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा तो तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, नहीं रह गया ना मेरे बिना? हाँ चलो बाहर निकलो ना, आओ। अरे चंद तुम, अरे तुम्हें तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले घूमना चाहिए ना, तुम कहाँ इन दोनों कबाब में हड्डियों को लेकर घूम रहे हो? अरे मैडम आप ये क्या बोल रहे हैं, आप तरीके से बात करिए मेरे चंजी से। चंजी यही सही मौका है, आज आप इनको बता ही दो आप मुझसे कितना प्यार करते हो। अबे चंद, अबे ये मेरी तेरी गर्लफ्रेंड है। ओ आप चंद कैसे बोलेगा, इसका मतलब चंद तुम इन दोनों बेचारे को धोखा दे रहे हो। मैडम जी मेरे चंद तो किसी को धोखा नहीं देते, ये तो प्रेम भैया की गर्लफ्रेंड है, इन्होंने मुझे सुबह ही बताया था। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, प्रेम की गर्लफ्रेंड मैं हूँ, कुछ भी बोले जा रही है, पागल है क्या? अरे ओ मेरे चंजी को धोखेबाज कहने वाली, तू तो खुद एक धोखेबाज के साथ रह रही है, ये बात मुझे सुबह प्रेम भैया ने बताई थी। गर्ल्स देखो मुझे इन दोनों का तो पता नहीं, पर मैं धोखेबाज बिल्कुल नहीं हूँ, और हाँ सिंगल भी हूँ और आप दोनों के लिए अवेलेबल। मुझे ना तुम तीनों पर किसी पर भी भरोसा नहीं है, मैं खुद जाकर उस लड़की से पूछूंगी। भाग बच्चन जल्दी कर। ये बताया नहीं जाता, ये दिखाया जाता है। तू फिर से शुरू मत कर, पिछली बार भी तूने सब खराब कर दिया था। और हाँ भाई मैं इस बार इस गेम में बिल्कुल नहीं हूँ। अरे चुप बे कुत्तो, ये पकड़। इस बार तेरा दिमाग पक्का खराब हो गया है, कहीं ये वो गंजा हीरोइन तो नहीं है? गंजा हीरोइन भाई, गंजा हीरो है ना, मुझे सब दूर, मुझे हीरो ना मेरे से बालों वाली पसंद है ना। अरे ये वही जन्नत का दरवाजा है, जन्नत का, जब चलो आज मैं जन्नत दिखाता हूँ। सपना
सो हे गाइस, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके जरूर बताओ। और वीडियो का अपना बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आप लोगों को, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप लोग देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, हम आपके लिए जल्दी जल्दी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।